आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्युएट, उसका फर्स्ट पार्ट है 486 प्लस 732। 486 732, इसको हम प्लस कर देंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे 8 9 10 11 आ जाएगा, 1 और 1 कैरी कर देंगे। अब 1 में 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 7 है तो ये आ जाएगा 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। द सेकंड पार्ट है 6 5 4 1 9 और 8 प्लस, और ये बात याद रखें कि वैल्यू के नीचे ही वैल्यू लिखें ताकि आपको इजी हो प्लस करने में और माइनस करने में भी। तो 4 में 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 2 और 1 कैरी चला जाएगा। अब 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 15 हो जाएगा, 5 और 1 कैरी आ जाएगा। अब 6 7 और 8 तो ये आंसर आ जाएगा 852। थर्ड पार्ट है 811 माइनस 356। 811 356 माइनस करना। अब यहाँ 1 है नीचे 6 है तो 1 में से तो 6 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम जो उसके साथ वैल्यू है उससे 1 कैरी ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11। और यहाँ जब हम 1 कैरी ले लेंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा, तो 11 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ 0 है नीचे 5 है, अब 0 में से 5 हम लेस नहीं कर सकते तो हम 8 में से 1 कैरी ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10, और ये यहाँ रह जाएगा 7। अब 10 में से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। अब 7 में से 3 लेस करने हैं तो कितना आ जाएगा, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर पार्ट है 923 माइनस 437। 923 437 माइनस, अब 3 में से 7 नहीं माइनस हो सकता इसलिए यहाँ से हम कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा 13, और जब हमने यहाँ से कैरी दे दिया तो यहाँ 1 रह गया। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब यहाँ 1 है नीचे 3, अब 1 में से 3 हम लेस नहीं कर सकते तो हम यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो ये 11 बन जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, 8। 11 में से 3 जब लेस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 8, और यहाँ है 8 और नीचे 4 है तो 8 में से जब 4 निकालेंगे तो क्या होगा, 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 1096 प्लस 4833। 1096 4833, और इसको हम प्लस कर देंगे, 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 8 प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और 1 और 4 प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये इसका आंसर आएगा। सिक्स पार्ट है 4001 माइनस 809। 4001 माइनस डाल देंगे 809। अब 1 है ऊपर नीचे 9 है तो 1 में से तो 9 लेस नहीं होता और इस साइड पे भी 0 है तो हम 4 से लेंगे, 4 से यहाँ 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10। अब यहाँ से 1 देंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, और 4 को कटिंग करके 3 लिख देंगे क्योंकि हमने इसको 1 कैरी दे दिया था। अब यहाँ 10 है और जब 1 यहाँ कैरी देंगे तो ये 11 बन जाएगा और ये 9 रह जाएगा।
तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ट्रू। अब 9 है ऊपर, नीचे 0 है, 0 मींस नथिंग होता है, तो फिर 9 का 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ 3 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। 7 पार्ट है, 5 1 2 1 माइनस 2 6 7 4, 5 1 2 1 2 6 7 4। अब ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो 1 में से 4 नहीं लेस होता, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 11 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा। 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ 1 है, नीचे 7 है, फिर नहीं हम लेस कर सकते, तो हम इधर से 1 कैरी ले देंगे, ये 11 बन जाएगा और ये 0 रह जाएगा। अब 11 में से 7 लेस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ 0 है, नीचे 6 है, फिर 1 कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये 4 रह जाएगा। 10 में से 6 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ 4 है, 4 में से 2 लेस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे 8 पार्ट, ये जो है वो 3 वैल्यूज़ के साथ है, 8 1 5 प्लस 1 8 6 प्लस 3 3 4। तो फर्स्ट वैल्यू है 8 1 5, सेकंड 1 8 6 और थर्ड है 3 3 4। 5 में 6 प्लस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा और 11 में 4 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी दे देंगे, 1 2 और 8, तो ये 10 बन जाएंगे, 10 और 3 13 हो जाएगा, 3 और ऊपर 1 कैरी दे देंगे। अब यहाँ 1 और 8 9 और 1 10 और 3 13 आंसर होगा। 9 पार्ट है, 6 5 0 प्लस 8 0 9 प्लस 9 7, तो 6 5 0 8 0 9 प्लस 97। तो अब हम प्लस कर देंगे, 9 में 7 प्लस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 6 और 1 कैरी चला जाएगा। 1 में 5 प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और फिर 9 प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 और 1 कैरी चला जाएगा। आप 1 और 6 7 हो जाएगा और 8 प्लस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा।